आज देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली स्थित पुलिस स्मारक पर परेड का आयोजन किया गया। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परेड को संबोधित भी किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस वालों ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है, उन्हीं के बलिदान के कारण आज देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके गृह मंत्री नाते बहुत गर्व होता है कि लॉकडाउन के अमलीकरण के लिए चाहे लाखों लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पर जाते हो, उनको सहायता करने के लिए, कहीं कोई बीमार है बीच में छूट गया उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए, कॉलोनी में कोई बीमार पड़ गया, घर में कोई साथ में है नहीं तो उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ी वहां पर ब्लड डोनेशन से लेके प्लाज्मा डोनेशन तक करने तक पुलिस कर्मचारियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज जब पुलिस कर्मचारियों ने पहली पंक्ति में रहकर कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसको पूरा देश सराहता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इसकी सराहना की है और मैं आज बहुत विनम्रता के साथ देश के सामने रखना चाहता हूं कि पुलिस परिवार के लोगों ने, सुरक्षा बलों ने ये लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे 343 साथी हमने गवाए हैं। उन्होंने अपनी जान नौछावर कर एक कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। पुलिस का ये बलिदान कोविड के खिलाफ जो लड़ाई का इतिहास लिखा जाएगा उसमें हमेशा सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा।